हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंतशा रुबा। आज हम लोग 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में पॉलिन फर्टिलाइजेशन के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स। मतलब अब अभी आप लोगों ने देखा था कि कैसे पॉलन ग्रेन जो है वो इंट्रैक्ट होते हैं स्टिग्मा पे, उसके बाद फिर उनमें से पॉलन ट्यूब निकलती है। फिर उसके बाद अगला स्टेप आपका जो आता है उसमें क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब होते हैं वो फीमेल ओव्यूल में जाते हैं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब देखिए, इसमें तीन कंडीशन बनती है, प्रोगैमी, चेलेज़ोगैमी और मीज़ोगैमी। इन तीनों को इसमें फिगर में दिखाया गया है। देखिए, इसमें सबसे पहले प्रोगैमी में क्या होता है। प्रोगैमी ऐसी कंडीशन है जब पॉलन ट्यूब जो है आपका माइक्रोपाइल से इंटर करेगा, तो वो घटना आपकी प्रोगैमी कहलाएगी। मतलब कहने का ये है कि जो मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन और पॉलन ट्यूब जो है, उसमें जब वो पॉलन ट्यूब फीमेल के माइक्रोपाइल से इंटर करेगा तो वो घटना आपकी प्रोगैमी कहलाएगी। लेकिन जब वो चेलेज़ा से इंटर करेगा तो वो आपकी कहलाएगी चेलेज़ोगैमी। देखिए, ये आपका चेलेज़ा है और यहाँ से ये आपका पॉलन ग्रेन ट्यूब की सहायता से आके इसमें इंटर कर रहा है, तो ये घटना आपकी कहलाएगी, ये कंडीशन आपकी जो है वो चेलेज़ोगैमी बनेगी। उसके बाद लास्ट है आपका मीज़ोगैमी। मीज़ोगैमी में क्या है कि इसमें देखिए, ये इंटर कर रहा है चेलेज़ा से और उसके बाद फिर जा रहा है ओव्यूल एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइल से, तो दोनों तरीके से ये जा रहा है, तो इसलिए हम इसको इस कंडीशन को कहेंगे मीज़ोगैमी। तो तीन कंडीशन बनती है, प्रोगैमी जब माइक्रोपाइल से इंटर करेगा, चेलेज़ा से इंटर करेगा तो चेलेज़ोगैमी, और जब दोनों से इंटर करेगा तो मीज़ोगैमी। अब उसके आगे देखिए क्या होता है फिर इसमें, उसके बाद अगला है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। अब उसके बाद जब पॉलन ट्यूब जो है उसमें एंट्री कर जाता है, उससे धंस जाता है, तो फिर उसके बाद वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है। एम्ब्रियो सैक आपको हमने बता दिया था, जिसमें तीन टाइप की सेल्स होती हैं, सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल्स, जिसमें 8 और 7 सेल होती हैं जो एम्ब्रियो सैक आगे चल के बनाता है। तो वो एम्ब्रियो सैक में आपका पॉलन ट्यूब जो है वो इंटर करेगा। उसके बाद जब पॉलन ट्यूब इंटर कर जाएगा तो फिर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, तो उससे पहले एक घटना घटेगी, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स फ्रॉम पॉलन ट्यूब। अब देखिए, जो आपका मेल गैमीट है उससे उसके अंदर क्या है, पॉलन ट्यूब उसके पीछे की तरफ निकली है, तो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर नहीं करेगी, पॉलन ट्यूब जो है वो बाहरी डिस्चार्ज हो जाएगी और सिर्फ मेल गैमीट जो है, सिर्फ वही जो है वो चेलेज़ा और एम्ब्रियो सैक के अंदर जा पाएगा। तो इस तरह ऊपर से तो ये पूरा ट्यूब के उससे आता है, लेकिन सिर्फ मेल गैमीट अंदर जा पाता है और पॉलन ट्यूब जो है वो कट के बाहर निकल जाती है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, फ्यूज़न होगा। मेल और फीमेल गैमीट जब पॉलन ट्यूब निकल चुकी है, तो अब मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट को फ्यूज करेगा, मतलब असली फर्टिलाइजेशन जो है आपका यहाँ पे होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद फिर गैमीट बनेगा, गैमीट के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर नई जो है ये सेल जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स एंड ट्रिपल फ्यूज़न। अब गैमीट्स का फ्यूज़न होगा, मतलब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट जो हैं, जैसे ही पॉलन ट्यूब निकलेगी तो मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट को जाके फ्यूज़ करेगा। ये घटना जो है बहुत ही स्पेशल होती है, इसको ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स में होती है और वो भी प्लांट्स के सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। तो इस घटना में देखिए क्या होता है, ट्रिपल फ्यूज़न में इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है वो एक एग को आके फ्यूज़ कर देता है, एक एग को जब आके फ्यूज करता है तो वो सेल आपकी डिप्लॉयड हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद आपका दूसरा मेल गैमीट जो है वो दूसरे एग, उसी एग सेल जो डिप्लॉयड बनी है उसको फिर से आके फ्यूजन कर देता है, तो वो ट्रिप्लॉयड हो जाती है, मतलब 3x हो जाती है। तो इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, चाहे डबल फर्टिलाइजेशन कहिए क्योंकि इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, और चाहे ट्रिपल फ्यूजन कहिए क्योंकि 3 बार फ्यूजन से वो बना है। अब देखिए, इसमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले जब मेल गैमीट फीमेल को फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एक डिप्लॉयड एग बन जाएगा, डिप्लॉयड एग को दूसरा मेल गैमीट आके फिर से फ्यूज कर देगा, तो आपका ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा और आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बन जाएगा, और ये घटना आपकी डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसको सबसे पहले एसजी नवाशीन ने 1897 में खोजा था, और इसमें इस फेनोमेना को बहुत ही अलग तरीके का फेनोमेना है, ये फेनोमेना सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन जो है ये एंजियोस्पर्म का एक यूनिक घटना है, एक यूनिट प्रोसेस है जिससे जो है फ्रूट बनता है। तो जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवरी जो है वो तेज़ी से फ्रूट में चेंज होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आएगी अगली प्रोसेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, जो आपको आगे अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।